नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर और मंगल का दिन है। मैं हूं आपका मेज़बान शकील नाइक। सबसे पहले हम आपकी खिदमत में अहम खबर पेश करें। नादरीन, इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर में इन दिनों जितने भी फार्मूले चल रहे हैं, इन फार्मूलों में किसी भी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान नहीं गिने जा रहे। इमरान खान का केस अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। जो जनरल फैज़ हमीद गिरफ़्तार हुए थे, उनकी कोर्ट मार्शल की पूरी तैयारी कर ली गई है। इब्तदाई उनकी समाअत भी हो चुकी है। तहम 200 गवाहों के बयान लिए गए, जिनमें उनके 5 रिटायर फौजी अफसरान जो जनरल फैज़ हमीद की टीम का हिस्सा थे, वो भी शामिल हैं। अब सिर्फ एक प्रोसीडिंग होनी है और प्रोसीडिंग के बाद जनरल फैज़ हमीद को सज़ा सुनानी है। जनरल फैज़ हमीद की सज़ा सुनाने के फौरी बाद इमरान खान को फौजी अदालत में पेश कर दिया जाएगा। इमरान खान की बहन अलीमा खान, जो 3 रोज़ पहले रिहा हुई हैं, उन्होंने बाकायदे तौर पर बयान दिया है कि ये पार्टी कारकुन खामखा एक जो है वो हवा छोड़ रहे हैं, एक खामखा की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हकीकत में इमरान खान को अहम तरीन केसों में सज़ा मिलने का इम्कान है, इसलिए जश्न मनाने के बजाय इमरान खान की आज़ादी की फ़िक्र करें और उसके लिए जदोजहद करें। ये जो भड़के मारे जा रही हैं या झूठे अफवाह फैलाए जा रहे हैं, इससे इजतनाब किया जाए। इससे वादे हो गया कि इमरान खान की बहन अलीमा को इन हालात का पता चल गया है। यही वजह है कि पीटीआई ने अब पार्लियामानी जो कमीशन है उसमें हिस्सा लेने का फ़ैसला किया, उसका हिस्सा बनने का बाकायदे फैसला कर लिया और उसकी इमरान खान ने भी मंजूरी दी है। सिर्फ उसमें कौन से पीटीआई के रुकन होंगे शामिल, वो अभी फैसला होना बाकी है। अभी इसका जो है वो कोई हतमी फैसला नहीं हो पाया है कि कौन से रन में, लेकिन एक बात इमरान खान को ये बता दी गई है कि पार्लियामानी कमीशन का जब तक हिस्सा नहीं बना जा सकता, उस वक्त तक एक डायरेक्ट मैसेज आएगा कि अदलिया से टकराव चाहते हैं और अदलिया से टकराव किसी भी सूरत में पीटीआई के लिए अच्छा नहीं होगा, लिहाजा फैसले पर नज़रसानी करके पार्लियामानी कमीशन का हिस्सा बना जाए। और इमरान खान ने पार्लियामानी कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी भी दे दी है। अब सिर्फ अरकान के नाम की मंजूरी बाकी है, उसके बाद वो पार्लियामानी कमीशन हिस्सा बन जाएंगे। और इमरान खान को जो सबसे ज़्यादा मुश्किल यह है कि अमरीकी इंतखाबात में इमरान खान का कोई ना तकरीर जा रही है, ना पैगाम जा रहा है, ना वहाँ उनका कोई आर्टिकल शाया हो रहा है। वहाँ नवाज शरीफ अमरीका पहुँच गए और नवाज शरीफ की वहाँ पर लॉबिंग भी तेज़ हो गई है और इम्कान यही है कि अमरीकी इंतखाबात में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको नवाज शरीफ ये ज़रूर अपील करेंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट दें। अब देखना यह है कि वहाँ के जो मकामी रहनुमाएँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो किसकी सपोर्ट करती है, वो डोनाल्ड ट्रंप की हामी है या डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफ है। ये फैसला होने के बाद उसके बाद नवाज शरीफ उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। तहम नवाज शरीफ भी डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत के लिए सलाह मशवरे करें, ताकि अगर वो कल अमरीकी इंतखाबात में सदर बन जाएँ तो कम अज़ कम जो है वो पाकिस्तान के लिए एक फ़ायदा हो और पाकिस्तान को वो अच्छा फ़ायदा दे सकें, ना कि वो पाकिस्तान से दुश्मनी करें। नज़र आते हमारे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़, हम आपसे फिर गुजारिश करते हैं बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप खबर मिल सके। शुक्रिया।